नहीं, हमारे तो यहाँ फिल्म बनाए तो कहते हैं ये तो कंजर है, दल्ले है, ये तो ये है वो है, इनकी तो क्या औकात है यार, ये क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका आइडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे हम वापस खरीद रहा है उनसे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत की इकोनॉमी बहुत ही ऊपर जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही नीचे जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने आ नहीं रहा और पाकिस्तान में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था वो अपने पैसे लेके भाग रहे हैं, जैसे कि सेल कंपनी है जिसकी वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले दी थी। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत में यूनिकॉर्न के बाद यूनिकॉर्न, मतलब कि जिन कंपनियों की वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है वैसी कंपनियां बन रही है और पाकिस्तान में कोई $100 मिलियन भी लगाना नहीं चाहता और बाहर के लोग क्या पाकिस्तान ही पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। थर्ड हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडिया में आ रही हैं। यूनिकॉर्न इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट जो कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि वो कहाँ खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। और इंडिया के अंदर ये जो 68 यूनिकॉर्न्स हैं ये तकरीबन 14 यूनिकॉर्न से चले थे। सो आप ये इमेजिन कर लें कि कितने परसेंट इजाफा हुआ है और ये किस तरह तेजी के साथ जो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं। हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है, और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकॉनमी अब नहीं रुक सकती, वो इकॉनमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका आइडिया का, वो इस तरह के रशिया ने जो टैंक बेचे थे हम वापस खरीद रहे हैं उनसे। बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे, वो तो भी उनका कबाड़ में बिक रहा है उनके, तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में, उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो UPI के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी UPI सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका कि आ रहा भाई इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स खींच के ले गया, भाई थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। कोई इंडिया में कोई लोग जो हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरे, वो हमारे साथ ही हैं, भाई दोस्त हैं, भाई वो भी हमारे एक जैसे खाते पीते, एक ही DNA, एक ही सारा कुछ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी ने आया, उसने कहा कारोबार करो यार, ये छोड़ो तुम बाकी चीज़ों को, वहाँ पे कारोबार है, माहौल है, फिर मज़हब का उस तरह इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे तो यहाँ फिल्म बनाए तो कहते हैं ये तो कंजर है, दल्ले हैं, ये तो ये है वो है, इनकी तो क्या औकात है यार, ये क्या कर रहे हैं। मुल्क के अंदर हम देखे ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तबाह कर दी हमने, बच्चों के ख्वाब तबाह कर दिए, ठीक है जी। अब सारा मुल्क जो है वो टिकटॉकों पर लगा हुआ है, वो हमारी जो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है वो कह रही है भाई वो समंदर में सैलाब आ रहा है, वो बिपरजॉय, और तुम लोग जो है सेल्फियाँ बनाने वहाँ ना जाओ। सारा मुल्क सेल्फियों पे लगा हुआ है, ठीक है, और सारा मुल्क जो टिकटॉक पे लगा हुआ है, तो कौन सुनेगा उनकी। आप यकीन करके माने, अगर आप एक आम पाकिस्तानी के पास जाके बैठे और उससे बात करें, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। और एक मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से एक महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने आपस सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है, कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है, और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो UPI जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजिशंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। UPI ट्रांजिशन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजिशंस हो रही है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे,
उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकॉनमी उनकी मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकॉनमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकॉनमी, चीखें निकल गई। और हर बंदा सरकारी नौकरी चाहता है, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मुझे जो है वो मैंने बिजनेस करना है, डरते हैं बिजनेस करने से, और हम बाहर वालों को कहते हैं यहाँ पे आके बिजनेस करो, जबकि आपके अपने लोग बिजनेस करने डरते हैं, जाओ ना मार्केट में 50 लाख 30 लाख 20 लाख लेके जाओ। खैर हम पाकिस्तान में तो सिस्टम ही उल्टा है, हमारे जितने पाकिस्तानी दोस्त यूरोप अमेरिका जाते हैं यहाँ से खाली आज नंगे फंगे जाते हैं, अमेरिका यूरोप में जाके माहौल इस तरह का है जो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, बैंक उस पर ट्रस्ट करते हैं, कारोबार करें छोटा मोटा, आपको लोग अपने घर भी बना लेते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे कहते हैं घर से करोड़ों लेके आओ लाखों लेके आओगे तो फिर मार्केट में जाकर कामयाब हो। सो जिस मुल्क की हालात ये हैं कि आपको एंड देन ये चीज़ें जो हैं दे टेल अ स्टोरी। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं, तो पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत में तो कचरा भी लाखों में बिकता है, तो असल चीज़ ये है कि भारत में गार्बेज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिकता है। भारत में जो रिसाइकलिंग कंपनी है वो भी करोड़ों कमाती है, तो भारत में गार्बेज भी करोड़ों में बिकता है। तो ये है भारतीय इकोनॉमी की ताकत, भारत में लोग हर चीज़ में प्रॉफिट कमा सकते हैं, और भारत में लॉ एंड ऑर्डर और स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो जो पॉलिसीज पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट बनाती है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि वो पॉलिसी कब तक चलेगी, तो इसीलिए पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने नहीं आता, और पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर किसी ने पैसा लगाया तो पैसा वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते, और पाकिस्तान में पैसा लगाते हुए भी जितनों को उन्हें पैसा खिलाना पड़ता है तो उसके बाद प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं बनती, तो इसीलिए पाकिस्तान में कोई भी पैसे लगाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है और पॉलिसी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकारी कितने दिनों तक चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भीख पे चलती है, इतने सालों तक अमेरिका ने भीख दिया तो इसीलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी कुछ हद तक स्टेबल थी, और अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया और अब IMF के भरोसे जिंदा है और चीन के भरोसे, तो ऐसी इकोनॉमी में कौन पैसा लगाएगा, तो इसीलिए भारतीय इकोनॉमी के साथ पाकिस्तानी इकोनॉमी का कोई मुकाबला नहीं है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत में यूनिकॉर्न के बाद यूनिकॉर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय लोगों में उतना टैलेंट है, और जिन भी पाकिस्तानियों में टैलेंट है वो पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।